और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों पर अब बात कर लेते हैं। नेशनल जंबूरी के स्काउट और गाइड पहुंचे जोधपुर। जोधपुर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रेमचंद सांखला के नेतृत्व में स्वागत हुआ। मुख्य शिक्षा अधिकारी भल्लू राम खीचड़ के अलावा स्काउट गाइड और टीचर इस दौरान मौजूद रहे। 750 राष्ट्रीय स्काउट गाइड जोधपुर शहर का भ्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के संभागीय स्काउट्स गाइड भ्रमण कर रहे हैं। जोधपुर शहर में पैदल मार्च भी किया जा रहा है। उम्मेद राजकीय स्टेडियम से पैदल मार्च की शुरुआत हुई है। टाउन हॉल, RTDC होटल, जिला कलेक्ट्रेट मेन गेट, पावटा सर्कल, बलदेव राम मिर्धा सर्कल, नैनीबाई मंदिर तक मार्च का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान में 67 साल बाद हो रहे नेशनल जंबूरी के 750 बच्चे जोधपुर पहुंचे हैं और यह पहुंचने के साथ ही जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ है वो मार्च करने के लिए तैयार है। ऐसे में जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं अधिकारियों से बात कर लेते हैं। प्रथम नागरिक के क्या कहेंगे 750 बच्चे आए? मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इन बच्चों का। और जिस तरीके से जंबूरी में एक विशाल और ऐतिहासिक आयोजन की शुभारंभ 4 तारीख को हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने की, उसी के अंतर्गत आज ये 750 बच्चे जोधपुर का भ्रमण करने आए हैं और जोधपुर की अपनायत और संस्कृति से ये आज रूबरू होंगे। और मैं शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने और स्काउट गाइड के सभी पदाधिकारी और प्रतिनिधियों को और अलग अलग प्रांतों से, पूरे भारत देश के अलग अलग प्रांतों से ये स्काउट गाइड के कैडेट्स और इनके प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जोधपुर शहर इनको बहुत ही लुभावना और आकर्षक नजर आएगा। आप हमारे शहर के विधायक, हमने आपको गाइड के रूप में देखा हुआ बचपन में, आज कैसा लगता है वो सपना वापस साकार हो रहा है? देखिए, बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से बचपन में हमें जो समय बिताया वो आज हमारे सामने नज़र आ रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने राजस्थान को चुना और उसमें भी पाली और रोहित को चुना। किस तरीके का सुंदर वातावरण 4 तारीख को नज़र आ रहा था। भारत की प्रथम नागरिक ने, राज्यपाल जी ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया और जहाँ अनेकता में एकता नज़र आ रही थी, हर राज्यों के कैडेट्स यहाँ नज़र आ रहे थे, अपनी सभ्यता वहाँ बिखेर रहे थे और बहुत सुंदर वातावरण इन सभी कैडेट्स को मिल रहा था। और आज यहाँ सब बच्चे भ्रमण करेंगे, इस जोधपुर की अपनायत को समझेंगे। जिस तरीके से हर हमारा स्लोगन चलता है कि पधारो मारे देश, उसी स्लोगन के साथ हमारी जोधपुर की मिठास, हमारी जोधपुर की अपनायत, जोधपुर का इतिहास ये बच्चे सब समझेंगे। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ आने वाले भविष्य की, इनकी अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और सभी इन स्काउट और गाइड के कैडेट्स को, शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको चुना। सर, कैसा लग रहा है 750 बच्चे अलग अलग राज्यों के हैं? बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज जम्बूरी से यहाँ विद्यार्थी भ्रमण के लिए आए हैं और वो जोधपुर नगर का भ्रमण करेंगे। स्काउट सदैव सेवाभावी, त्याग और तपस्या का जो पाठ पढ़ता है और अपने जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, ये स्काउट यहाँ जोधपुर की जो ऐतिहासिक विरासत और हमारे यहाँ की जो प्रसिद्धि है, हमारे जोधपुर को जो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसकी विरासत को देख करके और यहाँ के अनुभवों को अपने परिवार और अपने समाज के साथ साझा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो जनप्रतिनिधि का, लेकिन बात कर लेते हैं उन कैडेट से जो दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से। देखिए, ये पहली तस्वीर हरियाणा की आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि हरियाणा के जो स्काउट कैडेट्स वगैरह आए हैं। क्या नाम आपका? सर माफी। कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको लगता है कि खूब सारी जो संस्कृति है उससे आप रूबरू हो रहे हैं? हाँ जी, हमें लगता है ऐसा। क्या हरियाणा से आए हैं, वहाँ की कल्चर में यहाँ की कल्चर में क्या अंतर दिखते हैं? सर लैंग्वेज तो वैसी है, मतलब हिंदी तो सबको समझ में ही आ जाती है, बस कुछ ही वर्ड है जो अलग होते हैं। आप देखें कि भाषा तो एक है, लेकिन सर कैसे इसका इस जम्बूरी का क्या संदेश पढ़ा जाए? सर, जो हमारी थीम है जम्बूरी की, प्रोग्रेस विद पीस, ये बहुत शानदार उपलब्धि है और सभी जो हमारे गाइड्स हैं, स्काउट्स हैं, सभी इस थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर भारत ने आगे बढ़ना है तो उसे शांति के पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। किसी भी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे, भारत को नंबर वन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं भारत को नंबर वन बनाएंगे। सर वंशिंग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर यहाँ पहुँचे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस तरीके से इस रैली को, जिस तरीके से यहाँ अलग अलग मार्च इलाके में जा करेंगे उस रैली की, ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और तस्वीर में सुख भवानी सिंह आपको वो दिखा रहे हैं कि
एक भारत और शांति के साथ आगे कैसे बढ़े, उस बात को लेकर के ये जो तस्वीर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, मेघालय की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, केरल की बात करें, तमाम जो राज्य हैं वहाँ से ये प्रतिभागी पहुँचे हैं, तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब उत्साह उमंग के साथ में शांति का संदेश देने के लिए स्वावलंबी की भावना को देखें, श्रमदान की भावना को देखें, अलग अलग क्षेत्रों से जिस तरीके से स्काउट्स और गाइड यहाँ पर पहुँचे हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। शोएब मानसिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।